अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का। बेसिकली जब भी वर्ड मार्जिनल का आएगा तो मार्जिनल का मतलब ये होगा कि एक एक्स्ट्रा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट का रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के कास्ट, मार्जिनल यूटिलिटी है तो इसका मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से कंज्यूम करने से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसकी आसान डेफिनेशन ये, द यूटिलिटी विच वी गेन बाई यूटिलाइजिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल में यहाँ देखें, जो आप अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो जो फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइस देंगे वो आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन देगा, नेक्स्ट वाला उससे कम देगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है। और इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी को हम टोटल यूटिलिटी की स्लोप भी कहते हैं, क्योंकि टोटल में जो चेंज आ रहा होता है वो मार्जिनल की ही वजह से आ रहा होता है।